Today in this lesson we will be talking about the first four chapters of Indian polity. First of all, we have to understand what is polity. We know polity is the job of bureaucrats, whereas politics is the job of politicians. So in Indian polity part, if you look at the very first chapter is historical background. और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको ये चीज़ जानने को मिलेगा कि अंग्रेज कैसे आए और कैसे यहाँ पे रूलिंग स्टार्ट किए, कैसे बिजनेस स्टार्ट किए और धीरे धीरे पूरे भारत को वो लोग छा गए. ठीक. सो दैट्स व्हाई विल फर्स्ट स्टार्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. इन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 and they left India in 1947. And if you find, definitely you see that 347 years they remain in India. And this 347 or 50 years is very crucial in the socio-political development of our nation. And British administration can be divided into two parts. One is company rule, next one is crown rule. In company rule, East India Company was responsible for ruling India. But in case of crown rule, direct ruling from London, or you can say Westminster or UK Parliament, UK government was responsible. मतलब ये हुआ कि भारत में जो शासन हुआ, अंग्रेज जो शासन किए, इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. एक है company rule और दूसरा जो चीज़ है वो है crown rule. कंपनी रूल मतलब है कि आप देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 में आया था. चले मैं बता देता हूँ बैकग्राउंड. 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आया था और इसका सोल पर्पज था टू डू बिजनेस. द सोल पर्पज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज टू डू बिजनेस इन इंडिया विदाउट एनी इंटेंशन फॉर रूलिंग इंडिया टू यू कैन से डोमिनेट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन टू इन्फ्लुएंस लोकल जमींदार्स किंग्स बादशाह व्हाट यू से. लेकिन यू सी व्हेन द इकोनॉमी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी यू नो वेंट सो एट दैट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी नॉर्मली जब पैसे ज़्यादा हो जाते हैं और रिच हो जाता है आदमी तो इन्फ्लुएंस करना लगता है. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब देखा कि भाई बिजनेस यहाँ पे बढ़ रहा है, बड़ा स्ट्रगल किया शुरुआत में 1600 में जब आए. लेकिन 1600 में आए जब जहांगीर जो थे वो राजी नहीं हुए, मुगल सम्राट थे, मुगल किंग थे, वो बोले नहीं नहीं यहाँ पे बिजनेस आप लोग नहीं कर सकते. लेकिन बात यह हुआ कि कुछ ऐसा सिचुएशन बन गया, हाँ, तो वो राजी हो गए जहांगीर और वो शुरू हो गया बिजनेस. और ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े अच्छे से बिजनेस किया, तो कोलकाता में बिजनेस किया, मुंबई में बिजनेस किया, वो हर जगह बिजनेस शुरू कर दिए और बिजनेस में भी सक्सेसफुल हो गए. और धीरे धीरे क्या हुआ मैं बता रहा था आपको. 1600 में आया वो छोड़ दिए देश का 1947 में, बीच में 350 साल करीब, और 1600 से लेके 1673 तक, 1600 से लेकर 1773 तक 173 ईयर्स कुछ भी टेंशन नहीं था, बस बिजनेस ही बिजनेस कर रहे थे वो लोग. और जब पता चला ब्रिटिश गवर्नमेंट को भाई साहब ये जो 173 ईयर्स है यहाँ पे बिजनेस करने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया है, बिजनेस के अलावा और भी कुछ काम कर रहा है. Apart from business, each in a company is trying to influence the Indian administration. How? They are influencing the local jamindars, local kings, right? Local princes. So at that time, British government decided after 173 years that yes, this is the right time to regulate the affairs of East India Company. Are you getting my point? Right? So when they started regulating the affairs of East India Company, why they need to regulate those affairs? Because in 173 years, 1600 to 1773, East India Company was involved in corruption. East India Company was involved in taking bribes, malpractices, influencing the local jamindars. That means, आप ये बोल सकते हैं कि East India Company business करने के लिए आया था 1600 में और 1773 तक, ये जो 200 साल करीब, ये business के साथ साथ और भी कोई जो काम है वो करने लगा और corruption भी होने लगा. और जो ऑफिशर्स थे वो भी अपना करप्शन करके अपना घर को सामान जो गिफ्ट है, ब्राइब है, वेल्थ है, कॉइन्स है, वो सारे लेके जा रहे थे.
और लोकल जमींदार को वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे, ठीक है आपको ये दे देंगे वो दे देंगे ऐसे कर रहे थे। और ये चीज ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल गया। कब पता चला? 1773 में। तो आप देख सकते हैं इस बुक में 1773 में लिखा है रेगुलेटिंग एक्ट। आप लोग देखिए रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें क्या 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 हुआ मैं बता रहा हूँ आपको। पहला चीज है ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया, इसलिए इसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। व्हाई दिस एक्ट इज नोन एज रेगुलेटिंग एक्ट, राइट? आप लोग अंडरलाइन कर लेना चाहिए। बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1773 ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर दिस एक्ट 1773। एंड अदर थिंग्स ऑल्सो हैपेंड इन दिस एक्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड इन दिस एक्ट। दो सेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड इन 1773। आप लोगों को बताऊंगा सेंट्रलाइजेशन क्या है। जैसे सेंट्रलाइजेशन फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, एक जगह अगर इकट्ठा पावर है, व्हेन द पावर्स आर कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट वी कॉल दिस सेंट्रलाइजेशन। सो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सेंटर ऑफ पावर था पूरे भारत में जो भी कर रहा है कि नहीं, तो इसलिए सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर दिए लोग। और ये जो सेंट्रलाइजेशन 1773 में शुरुआत हुआ वो 1833 में खत्म हुआ। चलिए मैं एक चीज और बता देता हूँ। जो कंपनी रूल है इसके अंदर चार एक्ट है। पहला है क्या 1773 एक्ट, आप देख सकते हैं। दूसरा चीज क्या है 1784 एक्ट। तीसरा चीज 1833 एक्ट। और लास्ट में आएगा 1853 एक्ट। फिर से मैं बोलता हूँ, देर आर फोर इंपॉर्टेंट एक्ट इन दिस कंपनी रूल। फर्स्ट थिंग इज दैट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, देन 1784 पीट्स इंडिया एक्ट, 1833 एक्ट, राइट? एंड फाइनली वी हैव 1853 एक्ट। यू हैव टू सी दैट बुक, राइट? सो यू कैन सी फर्स्ट एक्ट 1773, सेकेंड 1784, थर्ड 1833 एंड फाइनली 1853। दैट मीन्स कंपनी रूल कवर्स फोर एक्ट्स, राइट? एंड वी हैव टू फोकस ईच ऑफ द एक्ट इंडिविजुअली। तो चलिए पहले जो एक्ट है 1773 में जो बोल रहा था उसको फिनिश करते हैं। 1773 एक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब शुरू हो गया, ठीक है? और इसमें ऐसा नहीं है सिर्फ रेगुलेट करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, और भी कई सारे चीज होगा। कोई भी एक्ट बनता है उसके अंदर और भी कुछ बनेगा ना, सिर्फ रेगुलेट करने के लिए वो रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। अपार्ट फ्रॉम रेगुलेटिंग द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और भी कई सारे चीज हुआ। जैसे कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट बना 1773 एक्ट में, एक साल तो लगेगा भाई साहब। 1774 में बन गया, कहाँ पे? कोलकाता में। सारे चीज बुक में, आप पहले समझिए चीजों को क्या है, समझना बड़ी बात होता है, ठीक? और बाद में अंडरलाइन भी कर सकते हैं, साथ साथ अंडरलाइन कर सकते हैं। और क्या हुआ आपका ना, सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि भाई सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर एक जगह है, और सेंट्रलाइजेशन खत्म कब हुआ 1833 में, मतलब बीच में एक एक्ट चला जाएगा 1784, उसको भी बात करेंगे। तो ये रेगुलेटरी एक्ट में सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ, नंबर वन। सुप्रीम कोर्ट भी स्टार्ट हो गया, मतलब एस्टैब्लिश हो गया कोलकाता में, ठीक? और तीन जजेस और एक चीफ जस्टिस था, कोई दिक्कत नहीं। और सार जॉन इम्पे, जॉन इम्पे में लिखा होगा, कोई टेंशन नहीं। सार जॉन इम्पे चीफ जस्टिस थे और तीनों जज भी थे साथ में। जैसे आप जानते हैं आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट में 30 जजेस है और वन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। वो सुप्रीम कोर्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे स्टार्ट दैट आर्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम 124। आज के डेट में जो संविधान लिखा गया है 1946 वाला संविधान हमारे देश का, वो आप देखेंगे 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सुप्रीम कोर्ट अप टू 147, राइट? लेट्स गो टू कम टू हियर। और क्या हुआ आपका ना भाई साहब, यहाँ पे दिस एक्ट प्रोहिबिटेड टेकिंग ब्राइब्स, गिफ्ट्स, वेल्थ, कॉइन्स, व्हाट एवर दोस थिंग्स। दैट मीन्स डायरेक्टली दिस एक्ट सेज दैट यू कैन नॉट इन्वॉल्व, यू शुड नॉट इन्वॉल्व इन करप्शन। मतलब करप्शन हटाने के लिए 1773 एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? सुप्रीम कोर्ट बन गया और यहाँ पे करप्शन हटाने के लिए ये भी बात हो गया। और क्या किया, बोले कि भाई आप लोग जो प्राइवेट बात कर रहे हो, ट्राइवेट ट्रेड कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो वो भी नहीं कर सकते, सारे कुछ मना कर दिए। सबसे बड़ा बात ये हुआ है 1773 एक्ट में। पहले देखिए मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। जो तीन प्रेसिडेंसी था, जैसे मान लीजिए बीएमसी याद कर लो, बॉम्बे, मद्रास, कालकाटा, तीनों प्रेसिडेंसी था। प्रेसिडेंसी होता क्या है, जैसे आज के डेट में स्टेट होता है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट वगैरह कई सारा होता है, तो उसी जमाने में क्या होता था ब्रिटिश टाइम में प्रेसिडेंसी होता था। और उसी प्रेसिडेंसी, जैसे मान लीजिए बंगाल प्रेसिडेंसी, उसके अंदर कई सारे आ जाएंगे,
नहीं तो बॉम्बे बोला कई सारे एरिया आ जाएगा। तो बड़ा बड़ा तीन प्रेसिडेंसी था जिसका नाम है बॉम्बे, माद्रास एंड कोलकाता, तीनों प्रेसिडेंसी था और तीनों प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर था। समझे बातों को, कुछ नहीं है, इजी है बहुत। तो देयर वेयर थ्री गवर्नर्स इन ईच प्रेसिडेंसी, मे बी बंगाल, यू कैन से बंगाल, राइट, बंगाल एंड कोलकाता एंड माद्रास, मतलब बॉम्बे, कलकत्ता, माद्रास, ऐसे याद कर लो। और तीनों जगह क्या था, गवर्नर था। और इस एक्ट में क्या हुआ, ये जो गवर्नर था ना, बॉम्बे और माद्रास का गवर्नर गवर्नर से रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं आप रहो। लेकिन बंगाल में यह हुआ, गवर्नर ऑफ बंगाल जो था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, थोड़ा पावर जो है बढ़ा दिया, क्योंकि ये तो रेगुलेट कर रहा है। और क्या कहा कि भाई साहब ये जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग्स, उनके अंदर, मतलब उसके अंदर क्या आ जाएगा, बॉम्बे और माद्रास का जो लेजिस्लेटिव पावर, जो लॉ मेकिंग पावर, जैसे आजकल डेट में पार्लियामेंट में होता है, असेंबली में होता है, लेजिस्लेटिव प्रोसीड्योर मतलब लॉ मेकिंग प्रोसीड्योर, और इन ये दोनों का, मतलब माद्रास और बॉम्बे का जो लॉ मेकिंग प्रोसीड्योर जो भी बात है वो किसके अंदर आ जाएगा, कोलकाता के अंदर आ जाएगा या बंगाल के अंदर आ जाएगा, है कि नहीं। मतलब चलिए मैं आपको समझा दिया, फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ। 1773 एक्ट इज द फर्स्ट एक्ट ऑफ कॉम्प्रिड्योर, और यहाँ पे चार एक्ट है, और फर्स्ट एक्ट में यह बोला गया कि भाई साहब सेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया, नंबर वन। दूसरा चीज हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट हो गया, कहाँ पे, कोलकाता में, तीन जजेस और एक चीफ जस्टिस हुआ। तीसरा चीज क्या हुआ ना, आपका गवर्नर जनरल बन गए, मतलब गवर्नर से गवर्नर जनरल डेजिग्नेट हो गया, उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। फोर्थ पॉइंट क्या हुआ, मतलब दिस एक्ट प्रोहिबिटेड फॉर टेकिंग ब्राइब्स, गिफ्ट्स, व्हाटएवर यू से, दैट मींस दैट चेक द करप्शन। और फिफ्थ पार्ट अगर आप देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वॉज एस्टैब्लिश। आप बोलेंगे भाई साहब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता क्या है, देखिए जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है, जैसे आजकल डेट में आप देखेंगे कंपनी है, इन ईच कंपनी विल फाइंड डायरेक्टर। जैसे मान लीजिए आपका एक कंपनी है तो आप उसका हेड होंगे, कोई बात नहीं, और दूसरे वालों को, दूसरे आदमी को भी हेड बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मान लीजिए कंपनी है तो उसमें तो डायरेक्टर होगा, एम्प्लॉइज होगा। तो ये जो ईस्ट में कंपनी रूलिंग हो रहा था, ये एक्ट में क्या किया गया भाई साहब, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स कुछ भी बोलिए, ये बना दिया गया। ये क्यों बना गया, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि देखिए कंपनी में मोनोपोली था, कुछ भी डिसीजन होता है जो भी है गवर्नर या जो भी ऑफिसर्स है वो लेते रहते थे, ये बात सही नहीं था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, ऐसा अब नहीं होगा, तो क्या करेंगे ना, यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स जो रहेंगे एक कोर्ट के तरह काम करेंगे, मतलब डिसीजन जो लिया जाएगा अनानिमसली और सबको पूछताछ करके, सबको मतलब डिसीजन डिस्कशन करके ही डिसीजन लिया जाएगा। जो ज़्यादा डायरेक्टर्स बोलेंगे, ज़्यादा मेंबर्स बोलेंगे, उसी को उसी बात को लिया जाएगा, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी हो गया। तो कुल मिला के जो चार पॉइंट है उसको हम लोग एक एक पॉइंट छोटा छोटा चीज़ों में लिख सकते हैं, ठीक है। आप एक काम कीजिए, पहले ऐसे कीजिए, आप लिखिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट एंड राउंड इट, आप राउंड कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, 1773 एक्ट, उसमें चारों तरफ मतलब पांच लाइन खींच दीजिए और मैं बता रहा हूं जो, उसको नोट बना दीजिए, ठीक है। 1773 एक्ट इसमें क्या किया गया मैं बता रहा हूं आपको, पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, सेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड, एक्टिव हो जाइए आप लोग, सेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड, सेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड हो गया। और दूसरा चीज क्या हुआ भाई साहब, यहाँ पे डाल दीजिए सुप्रीम कोर्ट भी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट हो गया। और तीसरा चीज मैं बताया आपको भाई, प्रोहिबिटेड करप्शन भी आप लिख दीजिए, प्रोहिबिटेड करप्शन भी हो गया, और गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, ये बात भी लिख दीजिए, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, आप देख सकते हैं इधर गवर्नर जनरल, देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स, ये आदमी वॉरेन हेस्टिंग्स, इसको लिखना है, ठीक। और क्या क्या, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी लिख दीजिए, कोई नहीं, आराम से समझिए चीजों को क्या हो रहा है, ठीक है। मैं समझता हूं कि ये जो एक्ट है आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक समझ में आ गया है? रेडी? तो चलिए आगे फिर चलते हैं। देखिए मैं फिर से बोल देता हूँ, आप सेंट्रलाइजेशन एक लिख लीजिए, दूसरा चीज क्या लिखना है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक। तीसरा चीज क्या लिखना है? करप्शन वाला, मतलब करप्शन, एंटी करप्शन, नो करप्शन, ऐसे करके लिख दीजिए। और एक लीजिए, लिखिए क्या? सुप्रीम कोर्ट लिख दिए, और गवर्नर जनरल जो है उसको भी लिख दीजिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो हुआ। और क्या लिखना है पता है? और एक चीज लिखिए कि भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जैसा कि मैंने बताया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसको आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर आगे चलते हैं धीरे धीरे। पहले समझ लीजिए, फिर लास्ट में आप लोग पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी क्या करना है? 1784 को समझना है, ठीक है। पांच एक्ट पहले डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद सारे जो डाउट्स है उसको भी इकट्ठा करके हम आप लोगों को समझाएंगे। तो 1784 एक्ट में समझे क्या है। 1784 में बात ये हुआ, द एक्ट ऑफ 1773, द एक्ट ऑफ 1773, अभी जो लेसन है उसको ओरली आप समझ लीजिए, ठीक। समझ रहे? तो 1773 जो है उसमें कई सारा फॉल्ट था, कोई भी एक्ट बने उसमें फॉल्ट रहेगा। आज के डेट में भी पार्लियामेंट में कोई लॉ बनता है तो उसमें फॉल्ट रहता है, फिर उसमें करेक्शन किया जाता है, फिर अमेंडमेंट होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो उसी हिसाब से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाया 1773, पहले ध्यान से सुनिए, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला चीज बहुत है। इसको अगर 5 करोड़ आपको मिलेगा कि इस लेसन को अगर अच्छे से सुने तो आप बढ़िया से सुनेंगे, लेकिन अगर 1 रुपया नहीं मिलेगा मैं भी नहीं सुनू पढ़ाऊंगा नहीं और आप भी सुनेंगे। तो सोचिए जो सरस्वती होता है, जो ज्ञान होता है किसी भी धर्म का हो, वो बड़े पावरफुल होता है, जितना फोकस करेंगे उसको लर्न करेंगे। जैसे अगर कोई सुपरस्टार है उसका अगर 2 सेकंड का कहीं क्लिप मिल जाता है तो मतलब पागल हो जाता है आदमी जो फैन है। तो उसी हिसाब से जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो बड़े अच्छे से सुनिए, समझ रहे ना। जो क्रिटिकल आदमी होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स आदमी होते हैं, वो क्या करें, हर चीज में गलतियां निकालेंगे, लेकिन जो अच्छे आदमी होते हैं हर गलतियों में भी सही निकालेंगे, क्योंकि रॉन्ग इटसेल्फ इज राइट वर्ड। तो चलिए इसको भी समझते हैं। 1784 में क्या हुआ ना, जो 1773 एक्ट था उसमें कई सारे जो रिफॉर्मेशन चेंजेस लाने की कोशिश किया। और 1784 में क्या हुआ, सबसे बड़ा बात, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था बोले ठीक है आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो ना, वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है ईस्ट इंडिया कंपनी का, कोई बात नहीं आप रहो, मतलब वो भी था। और साथ में एक नया बॉडी क्रिएट कर दिया, उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था पहले एक्ट में, धीरे धीरे समझ में आएगा पूरा बेसिक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोले ठीक है आप रहो, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे मेहमान हो। और नए मेहमान आ गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोले ठीक है आप जो आए हो आपका भी थोड़ा बहुत कुछ काम है, अलग सा काम है। मतलब ये बोलना चाहता हूँ, अंडर द 1784 एक्ट द फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वेयर सेपरेटेड। अभी क्या हुआ भाई साहब, कंपनी का जो फंक्शन था सारे चीज, सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू, सारे काम एक ही जगह हो रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ले रहा था डिसीजन। अब क्या हुआ ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया, और इसके चक्कर में क्या हुआ ना, जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएशन, मतलब आप बोल सकते हैं डिफरेंट कैटेगरी में डाल दिए। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोले आप पॉलिटिकल अफेयर्स बोल रहा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीजें हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल अफेयर्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर कमर्शियल बिजनेस वाला फंक्शन। इन सम टोटल यू कैन से दिस 1784 एक्ट डिफरेंशिएटेड द वर्क्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन व्हाट एवर यू से अमंग और इन बिटवीन बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ओनली बिजनेस, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स। हियर पॉलिटिकल अफेयर्स मीन्स एक्चुअली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेरिटोरी, राइट। And under this act, what beautiful thing happened, you see, for the first time, British was ruling, no doubt, matlab, crown, not crown, ruled company was ruling. So under this act, for the first time, British territories, yes, we are ruling India. For the first time, British ruling or British territories were recognized. Are you getting my point? 16 samay British aaye, 1773 mein act ban gaya,
रेगुलेटरी एक्ट रेगुलेट करना शुरू कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थ्रू एक्ट। और दूसरे एक्ट में बोले क्या कि भाई साहब इतने साल से भारत में रहते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, आपका कोई जमीन वमीन है कि नहीं है, बस एक्ट ही बना रहे हम लोग। नहीं नहीं, अंडर दिस एक्ट 1784 फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश टेरिटोरीज वेयर रिकॉग्नाइज्ड, दैट मीन्स नाउ ब्रिटिश इज रूलिंग, यस फीलिंग गुड राइट। एंड दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज पीट्स इंडिया एक्ट। वाई पीट्स इंडिया एक्ट? Because at that time, William Pitt was the Prime Minister of UK. So who was Prime Minister? William Pitt. So in order to give respect, honor, you know, everything in the depends upon the honor, great personality. So this is known as Pitt's India Act. Let's revise again what happened under this act. First thing is that the functions of East India Company differentiated. Right? Number two, Board of Control responsible for political affairs. Political affairs and court of directors for commercial affairs. Done. Number three, British possession, British territories, right? For the first time recognized. Right? This is all about this act. If you look at this act, William Pitt's Act or Pitt's Act or 1784 Act, you'll find three important points. One is function differentiated, second point, new body board of control was created, and third thing is that ब्रिटिश पोजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज हो गया है कि नहीं हुआ। तो दोनों एक्ट खत्म हो गया और अभी कंपनी रूल में और दो एक्ट बचा है 1833 और 1853। चले धीरे धीरे उसको समझते हैं चीजें क्या है, फिर लास्ट में बता दूंगा समरी भी क्या है और लिखे हम लोग को नोट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बात ये हुआ 1833 में, जैसे मैंने बताया था आपको 1773 जब एक्ट शुरू कर रहे थे तब ऐसा सेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया। द सेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड इन 1773 एंड द क्लाइमैक्स और द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन जस्ट केम हियर 1833। मतलब आप बोल सकते हैं जो सेंट्रलाइजेशन है 1773 शुरू हुआ और 1833 में खत्म हो गया, अंत हो गया। ऐसा नहीं है सिर्फ ये सेंट्रलाइजेशन ही खत्म हुआ था खत्म हुआ, और भी कई सारे चीज हुआ होगा। और क्या क्या हुआ भाई साहब ना 1833 में, देखिए मैं सीरियल नहीं बता रहा हूँ, पूरे चीज़ों को समझा रहा हूँ, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं। यहाँ पे बड़ा बात हो गया, जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए थे आप बोल सकते वॉरेन हेस्टिंग्स, तो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल बंगाल थे, और आपको पता है 1784 में पूरे क्या कहें ब्रिटिश पोजेशन शुरू हो गया है, तो अब क्या करेंगे ना, अब ये करेंगे कि भाई साहब गवर्नर जनरल बंगाल हटाओ, क्या करना है गवर्नर जनरल इंडिया लगाओ। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में हम लोग छा गए हैं। सो अंडर दिस एक्ट 1833 द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया राइट। सो नाउ वी हैव टू रिमेंबर द पर्सन यू नो Lord William Bentinck, or you can say William Bentinck, or many people say Bentinck. So William Bentinck was the first such Governor General of India. So two things very important. One question, कई बार आ जाता है भाई साहब, who was the first Governor General of Bengal? Warren Hastings. Who was the first Governor General of India? तो आप याद रखना William Bentinck. Who was the first Viceroy of India? तो लॉर्ड कैनिंग। हम लोग कहाँ पे बात करेंगे जब कंपनी रूल खत्म हो जाएगा, अब 1833 चल रहा है, 1853 आएगा तो क्राउन रूल स्टार्ट हो जाएगा 1858 में, तब हम लोग बात करेंगे भाई साहब वाइसराय कौन था। सिपाही मीटिंग 1857 में हो जाएगा और फिर 1858 में क्या हो जाएगा ना, एक्ट दूसरा आ जाएगा, क्राउन रूल शुरू हो जाएगा, ब्रिटिश डायरेक्टली रूलिंग करेगा। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं 1833, यहां समझते हैं चीजें क्या है। तो 1833 में पहला पॉइंट मैंने बोल चुका हूं ऑलरेडी, भाई सेंट्रलाइजेशन फाइनल स्टेप हो गया। दूसरा चीज क्या हुआ, लॉर्ड बेंटिंक हो गया क्या ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और तीसरा चीज क्या हुआ, यहाँ पे आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, 315 में है EPSC, कोई दिक्कत ना, स्टेट पीसीएस भी वहां पे है। आर्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम 315 टिल यू कैन से 323 डील्स विद यूपीएससी UPSC, SPSC, राइट। एनवे तो हम लोग बात करें 1833 की, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई साहब सिविल सर्विस शुरू होना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये हुआ जब शुरू होने का था 1833 में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो अपोज कर दिए, बोले भाई ऐसे लिखना शुरू कर दे ऐसे सोच लो, और गवर्नमेंट को बोले कि ये अभी जरूरत नहीं है राइट।
So it was attempted to introduce civil service in 1833 Act. Please remember. But court of directors, they opposed. Okay, no, this will not happen. This is going to be hindrance for our company rule, all these things. So British government ne thode bahut maan liya. Aur kya hua? Civil service introduced nahi ho paya. कोई दिक्कत नहीं, जब अगले एक्ट पढ़ेंगे 1853, चार एक्ट है ना कंपनी रूल में, तो वहां पे आप देखना क्या है ना, सिविल से जो इंट्रोड्यूस करने का कोशिश किया गया था 1833 प्रीवियस एक्ट जो है, हाँ, और 1853 में ये लागू हो गया, माकालू कमिट रिपोर्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं, वो लोग बात करेंगे। और 1854-55 से सिविल सर्विस आज तक चल रहा है और सदियों से चल रहेगा, समझ रहे चीजें। तो आपको ये याद रखना है कि भाई साहब 1833 में सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस होने के लिए पूरा फुल दम से कोशिश किया गया, लेकिन हो नहीं पाया। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है क्यों सिविल सर्विस 1833 में इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो अपोज किए कि ये नहीं होना चाहिए और नहीं हो पाया। और टाइम जो होता है चेंज होता रहता है, एक्ट भी नया आता रहता है कि नहीं, आज के डेट में उसी जमाने वही चीज हो रहा था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, दूसरा एक्ट आएगा तो सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस हो जाएगा, कोई बात नहीं। आपको याद रखना है 1833 में तीन इंपॉर्टेंट चीजें, क्या क्या है मैं बताता हूँ। पहला चीज है, ये तो पता है, सेंट्रलाइजेशन फाइनल स्टेप, कोई बात नहीं, 77 से शुरू हुआ था सेंट्रलाइजेशन, मैं जैसे समझाया आप लोगों को। और दूसरा चीज है कि भाई क्वेश्चन आता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आप बोलेंगे लॉर्ड का मतलब क्या है, लॉर्ड का मतलब गॉड नहीं है, लॉर्ड डजंट मीन यू नो गॉड, एक्चुअली लॉर्ड जो होता है हाउस ऑफ लॉर्ड होता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा इंडिया में होता है बाइकैमरलिज्म, कई सारे देश में है यूनिकैमरलिज्म, है बाइकैमरलिज्म, यूनिकैमरलिज्म एक ही होगा, लोकसभा होगा नहीं तो राज्यसभा एक ही होगा बस, बाइकैमरलिज्म तो दो हाउस होगा, आगे जाके पढ़ेंगे 1919 में वो बाइकैमरलिज्म आएगा क्राउन रूल में। तो अभी मैं जो समझाया आप लोगों को कि भाई लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो होता है यूके में, ब्रिटेन में, वहां से एक एक आदमी को भेज रहे थे कि आप जाओ हिंदुस्तान, इंडिया जाओ, हमारा कंपनी अच्छा काम कर रहा है, तरक्की कर रहा है, और आप जो हो ना क्या बन के जाओगे, आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन के जाओगे, समझ रहे चीजें क्या है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बन के आए वो थे कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और दूसरा चीज क्या याद रखना है, सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस होने के लिए कोशिश किया गया था लेकिन हो नहीं पाया, कारण तो पता है आपको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने मना कर दिया या अपोज किया, मना क्या करेंगे, ऑफेंस तो नहीं, मना नहीं किए, बल अपोज किए, प्रोटेस्ट किए। और तीसरा चीज क्या है, सिविल सर्विस ट्राई किया गया था, ये तीनों चीज जरूर याद रखना। और यहाँ पे कई कई बार आ जाता है, लिखा जाता है कि भाई पहले इसको एक्ट नहीं कहते थे, अब एक्ट कह रहे हैं, ये कोई पहले रेगुलेशन नहीं कहते यहाँ कर रहे हैं, ये कोई दिक्कत जरूरत नहीं है, आप ये तीन चीज जरूर याद रखना। तो चलिए अभी बात करते हैं आपका 1853 एक्ट में देखिए क्या क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और ये फाइनल एक्ट है जो कहते हैं आप बोल सकते हैं कंपनी रूल का। यहाँ पे कंपनी रूल का फाइनल एक्ट क्यों है ये मैं बताता हूँ, क्योंकि इस एक्ट के अंदर अंग्रेज ने चाहे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि भाई इसका जो फंक्शन है, इसका जो काम कार्य है, इसका ना थोड़ा थोड़ा इसको चेक करके लास्ट में क्या करेंगे, ऑल ऑफ ए सडन, देखिए कोई चीज जो होता है ऑल ऑफ ए सडन नहीं कर सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट, आज के डेट में भी आप लोग पढ़ाई करो कोई भी चीज ऑल ऑफ ए सडन नहीं कर सकते, धीरे धीरे पढ़ के समझ में आता है, कोई भी आदमी हो कोई भी काम करता है तो थोड़ा टाइम लगता है यूज टू होने के लिए। तो क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई आगे जाके तो इसको खत्म करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ये क्या करेगा, जहाज लेके अपना लंदन आएगा, तो इतना जल्द क्यों है, धीरे धीरे उसको देते हैं। तो क्या किया वो लोग, नकले भाई साहब आप एक काम करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, लेकिन उसका फंक्शन भी एक्सटेंड कर दिया, लेकिन ये बताया नहीं कब तक आपका फंक्शन एक्सटेंड किया गया, ये नहीं बताया कि कमर्शियल फंक्शन कब तक आप करोगे, समझ रहे हैं, लेकिन बोले कि कोई बात नहीं आप आराम से काम करो। लेकिन डायरेक्टली नहीं हुआ तो क्या हुआ, इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि आपको कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है और ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन को भेज दिया जाएगा, समझ रहे हैं चीजें क्या है। सो 1853 में आपको एक चीज बता देता हूँ, पहला चीज है देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। भाई साहब ये गवर्नर जनरल काउंसिल क्या है बता देता हूँ, जैसा कि आपको पता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये तो क्या कहते हैं ये पोजीशन तो शुरू हो गया,
और आपको पता होना चाहिए, जैसे आज के डेट में पार्लियामेंट है, असेंबली है, विधानसभा है, विधान परिषद, लोकसभा है, राज्यसभा, ऐसा होता है कि नहीं होता है, संसद है, उसी हिसाब से वहाँ पे जो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसी समय से काउंसिल होता रहता था। मतलब जो भी लॉ बनेगा काउंसिल में तो बनेगा, भले कोई भी पावरफुल हो, हाँ तो लॉ बन रहा था। और इस काउंसिल में जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, चलिए समझा देता हूँ एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या होता है। लेजिस्लेटिव मतलब होता है लॉ मेकिंग पावर, तो लेजिस्लेटिव फंक्शन हो गया लॉ मेकिंग पावर, हो गया लॉ बनाने वाला चीज है। एग्जीक्यूटिव मतलब इंप्लीमेंटिंग पार्ट, कानून आप लोग बनाओ के कहाँ पे, संसद में, नहीं तो पार्लियामेंट में, मतलब काउंसिल उसी समय, गवर्नर जनरल काउंसिल है। और इंप्लीमेंट कौन करेगा, ब्यूरोक्रेट्स इंप्लीमेंट कौन करेगा, जो फील्ड ऑफिसर है, इंप्लीमेंट सिविल ऑफिसर्स, वो सब बना इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो काउंसिल होता था वहाँ पे लेजिस्लेटिव फंक्शन और जो इंप्लीमेंटिंग फंक्शन, दोनों को फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार पूरे हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ब्रिटिश के टाइम में 1853 में अलग हो गया। और क्या किया गया ना, यहाँ पे जो काउंसिल था इसको कहते थे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑब्वियसली इंडिया में हो रहा है और धीरे धीरे ब्रिटिश लोग भी चाहेंगे कि भाई इंडिया के लोग जो भी है वो भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करें, नहीं तो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे इधर। और ज़्यादा कहाँ टिके, हाँ ज़्यादा टिके, ऐसे रहते रहते धीरे धीरे 1947 तो रुक गए, हाँ, लेकिन ये अगर नहीं होता तो इंडियन जो होता है इंटेलिजेंस भी डेवलप नहीं करता और भी चलता 100-200-500 साल और भी चलता, कोई बात नहीं जो भी है। और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को मिनी पार्लियामेंट कहते थे, कुछ नहीं, मिनी पार्लियामेंट मतलब लॉ मेकिंग पावर जो जहाँ पे होता है उसको एक पार्लियामेंट बोला गया, और बड़ा था इसलिए उसको मिनी पार्लियामेंट बोला गया। समझ रहे चीजें क्या है, और मिनी पार्लियामेंट का मतलब ये है कि आगे जाके धीरे 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 इलेक्शन बात शुरू हो जाएगा, वो कई सारे चीजें होगा, क्योंकि जब क्राउन रूल पड़ेंगे कई सारे चीजें आएगा। चलिए, तो पहला चीज आपको क्या पता चला, एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन दोनों अलग होगा। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग, लॉ बनेगा, कानून बनेगा, और एग्जीक्यूटिव मतलब इंप्लीमेंटिंग पार्ट। तो लॉ बनाना जो चीज है लेजिस्लेटर का काम है कि नहीं, भले उसमें भी सिविल सर्वेंट का जरूरत है, ऐसा तो नहीं है कि जो एमएलए एमपी है या जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सारे ज्ञानी हैं, उनको भी सपोर्ट चाहिए, उनको भी कोऑपरेशन चाहिए ड्राफ्टिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, लेकिन इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत ये होता है, तो इसलिए आपको याद रखना है लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग प्रोसीड्योर इन द पार्लियामेंट, एंड एग्जीक्यूटिव मतलब इंप्लीमेंटिंग पार्ट, कोई भी प्लान हो, प्रोग्राम हो, पॉलिसी हो, वो इंप्लीमेंट करने के लिए जो चाहिए वो होता है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। और आज के डेट में भी गवर्नमेंट में आप देखिए तीन पार्ट होता है, तीन ऑर्गन होता है, गवर्नमेंट हैज थ्री ऑर्गन्स। फर्स्ट इज योर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, आज के डेट में है, और उसी समय भी वही था। और सुप्रीम कोर्ट तो पहले बन गया था 1773 में कोलकाता में, आप लोगों को पता है तीन जजेस और एक चीफ जस्टिस था, जॉन हिंग पे था, ठीक नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को अभी पता चल गया कि भाई साहब 1853 के अंदर एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग हो गया फॉर द फर्स्ट टाइम, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो जो काउंसिल है उसको मिनी पार्लियामेंट कहने लगे। और क्या किए ना, या इसको क्या, इसके अंदर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब एक नाम दिया गया कि ये है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका दूसरा नाम भी है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एक भी एक नाम है मिनी पार्लियामेंट। तीनों चीज आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और इस एक्ट ने, मैं बोल देता हूँ लास्ट में बोलना चाहिए था, अभी बोल लेता हूँ, इस एक्ट जो है 1853 वो लास्ट एक्ट है कंपनी रूल का, मतलब इसके बाद कंपनी रूल खत्म हो जाएगा, है कि नहीं, और क्राउन रूल शुरू हो जाएगा। चलिए दूसरा पॉइंट पे कर लेते हैं। देखिए, मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया 1853 में ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस पूरा लागू हो गया, जो आप लोग एग्जाम अब दे रहे हैं ये चल रहा है, ये शुरू हुआ था 1853 एक्ट में, लेकिन ट्राई किया गया था 1833 में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि नहीं ये नहीं हुआ। एक बात और बोल लेता हूँ क्यों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने मना किया, देखिए ये जो है सेल्फिश आदमी थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इमोशनल नहीं होना है, तो वो क्या हुआ, सेल्फिश मतलब जो अपना बिजनेस करके अपना धंधा करके कुछ कुछ चीजें जो है अपना घर को लेते थे, भले ही वो कम हो गया था क्योंकि 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बन गया था, फिर भी थोड़ा बहुत कहीं चलता होगा। और ये देखिए, अगर सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस हो गया, आज के डेट में देखना सेल गेल रेल बेल चाहे यूनिवर्सिटी कहीं पर देखिए आई एस अफसर जो होते हैं ब्यूरोक्रेट होता है वो वाइस चांसलर बन जाते हैं, प्रोफेसर की जगह कहीं कहीं बन जाते हैं, ऐसा है कहीं कहीं देखना आप स्टील इंडस्ट्री में वहाँ पे भी चेयरपर्सन वो भी बन जाते हैं,
समझ रहे चीजें क्या? तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्ट ने सोचे अगर सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस हो जाता है तो हमारा तो दिक्कत हो जाएगा, हमारा तो प्रमोशन नहीं होगा, हम कैसे इसका हेड बनेंगे भाई साहब, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, इसको अपोज कर ले। इस चक्कर में अपोज किए थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 1833 में अपोज किए थे, और 1853 में देखे और कितना अपोज करेंगे, कितना और होगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेज ने क्या किया, भाई साहब सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस कर दो, पूरी दम से पूरा दम से इंट्रोड्यूस हो गया और सिविल सर्विस चलने लगा। और इसके साथ आपको एक कमेटी याद रखना है, लॉर्ड माकालो कमेटी। लॉर्ड माकालो कमेटी जो है आप देख सकते हैं, कोई टेंशन मत लीजिए, माकालो कमेटी जो है वो रिपोर्ट दिया कैसे सिविल सर्विस होगा, क्या होगा। देखे आज के डेट में भी कोई भी सिविल सर्विस जो कमेटी बैठा, कई सारे कमेटी होता है, कमेटी आप बोल सकते हैं ARC रिफॉर्म, RMC रिफॉर्म कमीशन, वो भी रिपोर्ट दे चुका है। कई सारे कमेटी जो है वो रिपोर्ट देता है, ऐसे होना चाहिए, एज कम होना चाहिए, घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए, सिलेबस टॉप हो गया, CSAT इंट्रोड्यूस हो गया, ऐसा होता रहता है। मतलब ये बोलना चाहता हूँ सिविल सर्विस में फ्रॉम टाइम टू टाइम कमिटीज कमीशन वगैरह बैठता है। और जब शुरुआत हुआ लॉर्ड माकालो, कुछ भी बोले माकालो कमेटी बोलते हैं इसको, ये कमीशन भी बोल सकते हैं आप। देखो ये चीज है, माकालो कमेटी था वो कमीशन नहीं था। मैं एक चीज यहाँ बोलना चाहता हूँ, कमीशन और कमेटी में थोड़ा फर्क है। कमेटी जैसे पूजा कमेटी गांव का है, आपने चांदा नहीं दिया, फीस नहीं दिया है भाई पूजा करने के लिए, कोई भी पूजा या कोई भी फंक्शन हो रहे, दोस्त लोग के अंदर आपका कमेटी बन गया, तो आप नहीं जाओगे कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी दिया चांदा वगैरह तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कमीशन क्या होता है, कमीशन मतलब जुडिशियल पावर होता है, क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लिब्रहन कमीशन कमीशन है, मतलब जुडिशियल पावर रहता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और चीज क्या है मैं बताता हूँ, फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। फॉर द फर्स्ट टाइम क्या हुआ भाई साहब, लोकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जो इंडिया के लोग हैं वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे लॉ मेकिंग प्रोसीड्योर में। मतलब इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ रहे चीजें क्या, पूरे फोकस होकर समझिए। इस एक्ट के अंदर क्या हुआ, लोकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब भाई साहब हिंदुस्तानियों को कोई पूछ नहीं रहा था, आपका चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो कोई पूछ रहा। लेकिन 1853 में क्या हुआ, बोले कि भाई आपके एरिया में कोई अगर सुख दुख है, कुछ डेवलपमेंट चाहते हैं, आप ये कर सकते हो। क्या कर सकते हो ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आके आप अपना जो चीजें है वो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बंगाल से आगे, आप माड्रा से आगे, बंगाल से मतलब आगे, आगरा से भी आगे, कई सारे जगह से आगे, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, क्या क्या चीज है फिर से मैं बताता हूँ। पहला चीज है आप याद रखना, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है अलग हो गया। दूसरा चीज क्या है, ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस अच्छे से हो गया, और कमेटी लॉर्ड है माकालो कमेटी, इसको याद रखना है। तीसरा चीज क्या है, कंपनी का रूल जो है एक्सटेंड हो गया, लेकिन कब खत्म होगा ये ना आपको पता है ना मुझे पता है, बस ब्रिटिश वालों को पता था। और फोर्थ चीज क्या है, लोकल रिप्रेजेंटेशन जो पहले नहीं होता था वो हो गया, ठीक। और ऐसे होते होते धीरे धीरे क्या हो गया, हाँ स्टेप बाय स्टेप ब्रिटिश कंपनी जो ईस्टर्न कंपनी था केम टू एन एंड। मतलब ये बोल सकते हैं आप, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो पूरे खत्म हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए अब ये इसको चीज को हम लोग अच्छे से समझते, ये समझ में आया तो ठीक है, अब शुरू कीजिए।